तब से 2 तारीख को 2 अक्टूबर को इंटरवेनर के तौर पर जैसे वो लोग आंदोलन करेगा मेरिट वाला, तो उसके इंटरवेनर के तौर पर वहाँ पर मीडिया बाइट और 2 अक्टूबर को ही ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जाए और इसके बाद तुरंत 2 से 3 दिन बाद एक महा आंदोलन का आगाज किया जाए। इस चीज़ पर सब लोग ध्यान दें और एकजुट होकर के ध्यान दें। केस अलग मैटर है, बार बार मेरा जैसा मानना है केस अलग मैटर है और ये आंदोलन बहुत ही अलग मैटर है और हम लोग का बस एक ही मोटो होना चाहिए बस कि सर्टिफिकेट कैसे मिले। दुनियादारी और कुछ भी सोचना ही नहीं है, कुछ और सोचने लगेंगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कब किसका मनसा कैसे बदलता है और क्यों बदलता है कोई नहीं जानता है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है सब लोग संगठित हों, सब जितना भी क्वालिफाई है सब संगठित हों और एक महा आंदोलन का आगाज 2 तारीख को ट्विटर कैंपेन और मीडिया बाइट और इसके बाद फिर 2 से 3 दिन में जो भी मोस्ट प्रोबेबली डेट हो, जो भी सबको सूट करे उस हिसाब से हम सब मिल करके एक महा आंदोलन का आगाज करें शांतिपूर्ण और जैसा इससे पहले किया गया था एक लाइन में, इसी तरह से सीरियली वे में करना है और शांतिपूर्ण करना है जितना जल्दी से जल्दी हो सके। इसमें देखिए कोई किंतु परंतु नहीं है और इसमें सब कुछ साफ सुथरा है, इसीलिए आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करें और आगे बढ़ने में मदद करें और सर्टिफिकेट कैसे मिले और भी कोई आइडिया कोई उपाय है तो इस चीज़ पर विचार करें। आप कुछ भी लोग एक दूसरे से उलझने का कोशिश ना करें, उलझना बहुत ही बेकार काम है, उलझेंगे ये पर्सनली उलझन हो जाता है। यहाँ पर स्टेट के लिए कोई उलझन हो तो मज़ा भी आता है, यहाँ पर लोग पर्सनली उलझन बना लेते हैं और पर्सनली ही उलझते रहते हैं। इसीलिए पर्सनली चीज़ों को छोड़ करके ऑल क्वालिफाई के सर्टिफिकेट के लिए हम लोग को ध्यान देना है और इस दिशा में जितना भी मेहनत करना पड़े, जितना जो चीज़ करना पड़े, कोई नया आइडिया भी लाना पड़े, सब लोग अपना आइडिया दें या फिर मैंने जो बोला है उस चीज़ पर यदि एग्री हैं तो इस मैसेज को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें और सबको समझाने का कोशिश करें, एक संगठित यूनाइट करने का कोशिश करें और सब लोग यूनाइट करना ना पड़े, आप लोग सब लोग समझदार हैं, एक जगह यूनाइट खुद ही हो जाए और सब लोग मिल करके या तो मीडिया बाइट हो या फिर ट्विटर कैंपेन हो या फिर महा आंदोलन हो, सब करना है क्योंकि 2 तारीख को जो भी पटना के आसपास के रहेंगे वो लोग मीडिया बाइट करेंगे और जो भी दूर दूर के रहेंगे वो सब लोग मिल करके ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएंगे, ट्रेंड करवाने का कोशिश करेंगे और इसके बाद तो महा आंदोलन है ही, महा आंदोलन में तो सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले करके इस बार लड़ाई एक दो लोग 200-400 लोगों का नहीं है, इस बार 80,000 सभी लोगों का है। तो इसीलिए यहाँ पर हजारों के हजार संख्या में कैसे लोग आंदोलन में आए, इसको कैसे सफल बनाया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए और भी कुछ आइडिया हो तो इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक मेरा आवाज़ को पहुँचाए यदि वो जो बात मैंने बोली वो सही लगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।